नमस्कार दोस्तों, विमलास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग दाल की बड़ी, मतलब हम लोग इसको सदवरी कहते हैं, सदवरी की सब्जी, जो कि हम इसे रसे वाली भी बना सकते हैं। आपको थोड़ा कम इसकी ग्रेवी रखनी है तो उसमें भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक कटोरी मूंग दाल ली है, जो मैंने भिगो दिया था 3-4 घंटे पहले, और मैंने अभी उसको पानी से निकाला है। अब मैं इसे मिक्सी में पीसूँगी। यहाँ मैंने एक कटोरी प्याज लिया है, जो कि जिसका आधा हिस्सा मैं इसके बेस में डालूँगी, पकौड़ी के बेस में। टमाटर जो है, मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, और ये धनिया है, हरा धनिया। हल्दी मैंने 1/2 चम्मच लिया है, 1 पिंच मैंने हींग ली है, 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच जीरा, ये 1 चम्मच मैंने, 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, क्योंकि हमें इसमें भी बेस में भी डालना है इस कर। और ये मेरा कसूरी मेथी और पुदीने का और हरा धनिया का पाउडर है, जो मैंने घर में बनाया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बनाना सिखाऊंगी। और ये मेरा धनिया पाउडर है, जो मैंने 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लिया है। यहाँ मैंने 3 बड़ी हरी मिर्ची जो बारीक काटी है, और यहाँ स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए बनाते हैं। पहले मैं इसको मशीन में मिक्सी में पीस लेती हूँ। हमें इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि मूंग दाल ऐसे ही भी सॉफ्ट रहती है, ये ऐसे ही पिस जाएगा। हमने इसका पूरा पानी निकाल दिया है। हमारा ये मूंग दाल का हमने मिक्सी में पीसा है इसे, तो आप जब पीसें तो इसमें पानी ना डालें। अब मैं इसमें नमक, जितना हमें स्वाद के लिए रखना है, सॉरी, मैं इसमें प्याज डालूंगी, एक छोटा प्याज मैंने इसमें डाला है। अब मैं इसमें हल्दी 1/4 चम्मच ली थी, 1 पिंच हींग डाला है मैंने इसमें, 1 पिंच लाल मिर्ची पाउडर, इसमें धनिया बारीक कटा, दो चम्मच के करीब हरा धनिया है, ये मेरा हरी मिर्ची है। आप स्वाद के अनुसार डालेंगे, तीखा जैसे खाते हैं तो उसी हिसाब से। यहाँ मैंने ये पाउडर लिया है, जिसमें मैंने पुदीना, कसूरी मेथी और धनिया, इन तीनों को मैंने घर में इसका पाउडर बनाया है। ये फ्लेवर के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। इसको फेंटेंगे, मुलायम बनेंगे। इसके अंदर कोई सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं यहाँ पे तेल रखा है मैंने गरम करने के लिए, और हमारा तेल अभी गरम होने लग रहा है। अभी हमें ये मेरा तेल गरम हो चुका है। अब मैं पहले पानी में अपना हाथ डुबोंगी, और फिर इसको ये मेरे को ऐसे लंबे साइज में इसको डालना है। तो थोड़ा सा फैला करके इसे डालेंगे।
बराबर पलटते रहेंगे क्योंकि ज़्यादा जले ना। अभी हमारे मूंग की दाल के मंगोड़े भी तल के तैयार हैं, ऐसे ही हम पूरी दाल का तैयार करेंगे। हमारे ये भजिया बन के तैयार हो गए मूंग दाल के सदवरी। अब हम हमारा तेल गर्म हो चुका है, मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच तेल लिया है। अब मैं इसमें जीरा जो मैंने एक चौथाई चम्मच लिया था, अब मैं इसमें हरा मिर्ची डालूँगी। हमारा जीरा भी भून चुका है, प्याज, एक बड़ा चम्मच मैंने प्याज लिया है। हम इसमें अदरक भी डाल देंगे, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है एक चम्मच। हमें इसको थोड़ा सा अच्छे से सुनहरा होने तक तलेंगे। हमारा प्याज अभी गोल्डन हो चुका है, सुनहरा होने लगा है, क्रीमी हो चुका है ये। अब हम इसमें टमाटर जो मैंने दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, धनिया जो एक चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है, मिर्ची जो मैं इसमें एक चम्मच मिर्ची डालूँगी, हल्दी मेरा आधा चम्मच है, इसमें नमक, नमक स्वाद अनुसार। और मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी। ये हमारा जो टमाटर है इसको थोड़ा मैश कर लेंगे आप। ये हमारा मसाला थोड़ा तैयार हो गया भुनने के लिए। अब मैं थोड़ा सा इसमें ड्राई लीव्स का पाउडर डालूँगी जो मैंने पुदीने का बनाया है, इसमें कसूरी मेथी है फ्लेवर के लिए। अभी हमारा मसाला तेल छोड़ने लगा है, देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए पूरा तेल इस जो है निकलने लगा मसाले से। हमें इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि हमें ये सब्ज़ी ग्रेवी वाली ही बनती है,
हमें ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है। अब आप ग्रेवी अपने अनुसार रखेंगे, जितना आपको ज़्यादा ये अभी ग्रेवी उबाल आ गया है इसमें, ये देखिए हम इसमें ये अपने मूंग की दाल के जो पकोड़े हमने बनाए हैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब ये पानी ग्रेवी हमारा पक चुका है अच्छे से, हमें इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी रखना पड़ता है, ये पानी को सोखता है, ग्रेवी को सोखेगा, बस हमने इतना ही इसको पकाना है। ये हमारी अब बन के सब्जी तैयार है। अब इसको इतना ही हमें रोकना है पानी को थोड़ा सा, क्योंकि हमारा ये जो सदवरी है इसमें भी थोड़ा इसका सूप जो है अंदर एब्जॉर्ब होता है। अब हम इसमें धनिया जो ग्रीन लीव्स हैं डाल देंगे। Cause we want to.